नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षकों ने प्रेरणा ऐप के विरोध में जिला मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार उनको विश्वास दिलाए महिलाओं के खींचे जाने वाले फोटो सुरक्षित रहेंगे और उनको उचित मानदेय मिले तो उन्हें काम करने में कोई दिक्कत नहीं। वहीं महिलाओं ने अपनी सेल्फी वाले फोटो पर विरोध किया और महिलाओं ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, जो सेल्फी लेकर भेजी जाए उस फोटो का कहीं गलत मिसयूज ना करें। देखिए, आज हम जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। प्रेरणा ऐप खास करके हमारे बड़ी बड़ी बालिकाएं और महिला शिक्षिकाएं, उनकी निजता का उल्लंघन है। कोई भी, क्योंकि दिन में 3 सेल्फी देनी है, अगर उस सेल्फी में से कोई भी फोटो कट पेस्ट करके, जैसा कि आजकल होता है, अपराध होते हैं, साइबर क्राइम होता है, अगर कहीं फोटो कट पेस्ट कर दिया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार को इतना नहीं मालूम है? जो शिक्षक, जिसको कि गुरु का, भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो बेईमानी करेगा अगर उसके लिए अधिकारियों को बिठाला जाए, बीएसए को बिठाला जाए? कितने कैमरे बीएसए ऑफिस में लगाए जा रहे हैं ये बताइए, कितने कैमरे डीआईओएस ऑफिस में लगाए जा रहे हैं? जब अधिकारियों की निगरानी नहीं हो रही है तो शिक्षकों को चोर समझ रखा है इन्होंने। आखिर चाहते क्या है? हमारे इतने सारे एमडीएम जैसे काम है, राशन का काम है और आपके बीएलओ का काम है, जनगणना का काम है, ये सारी चीज़ें देने के बाद प्रेरणा से निगरानी करना, शिक्षक चोर नहीं है, शिक्षक को तो भगवान ने भी दर्जा दिया है कि मुझसे ऊपर रखा जाए। और जो प्रेरणा है 5 तारीख से लागू होने जा रहा है, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार 3-3 बार तो हाजिर ली जाएगी और इसके बावजूद भी बीएलओ का कार्य है, मिड डे मील का कार्य है और विशेष रूप से जो शिक्षिकाओं वाली बात है तो ये उनकी निजता का उल्लंघन है। इतने फोटो लिए जाएंगे, अगर इनका क्या विश्वास है, इनका दुरुपयोग नहीं होगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।